Subscribe now for all the latest and trending updates. पॉलिटिक्स सोनू सूद इन दिनों गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। भले ही उन्होंने तमाम फिल्मों में विलन के रोल्स निभाए हों, लेकिन उन्होंने कोरोना के संकट की घड़ी में साबित कर दिया है कि वो रियल लाइफ हीरो हैं। वो लगातार ही प्रवासी मजदूरों को उनके घरों पर भेज रहे हैं और अब उन्होंने बताया है कि एक बस को भेजने में कितना खर्चा आता है। बता दें आपको, शुरुआत में सोनू ने कोरोना वायरस रिलीफ फंड में योगदान किया और कोरोना के मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए अपना जुहू स्थित होटल मेडिकल स्टाफ को ऑफर किया था। इतना ही नहीं, फिर हालात को और ज़्यादा बिगड़ता हुआ देखकर और मजदूरों को सड़कों पर पैदल चलता देखकर जिम्मेदारी उन्होंने ली और वो बसों से उन्हें घर पहुँचाएंगे उन्होंने ठान लिया। सोनू ने राज्य सरकारों से परमिशन लेकर बसों का इंतजाम किया और अपनी टीम के साथ मिलकर प्रवासियों को घर भिजवाने का काम शुरू किया, जो अभी तक भी जारी है। उन्होंने एक वीडियो को शेयर कर ये बताया था कि उन्हें कम समय में ही हजारों की संख्या में लोगों के मैसेज आ रहे हैं। खैर, अब बात आती है कि आखिरकार कितना खर्चा आ रहा है। ये पूछने पर कि प्रवासियों को घर भेजने में एक बस का कितना खर्च होता है, तो सोनू सूद ने खुद ये बताया कि इसमें 1.8 लाख से 2 लाख रुपए तक का खर्च आता है, यानी कि एक बस को भेजने में करीबन 2 लाख रुपए का खर्चा। ये इस पर भी निर्भर करता है कि प्रवासी को कहाँ जाना होता है। आपको ये बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सोनू ने ये भी बताया कि लोगों की मदद के बारे में उन्होंने कैसे सोचा, तो एक्टर ने बोला कि प्रवासियों की दुर्दशा के बारे में सोचकर रात को सो नहीं पाते थे, इसी के बाद उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो जब तक हर एक प्रवासी को घर नहीं पहुंचा देंगे अपना काम जारी रखेंगे। यही नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भी फॉलो करना है, ऐसे में एक बस पूरे तरीके से भरी नहीं जाती है और इस वजह से ज़्यादा बसें अरेंज करनी पड़ती हैं, ये भी सोनू ने कहा। सोनू ने आगे ये भी कहा कि अब चीज़ें सही हो रही हैं, दूसरे लोग भी इस काम में मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान सोनू ने ये भी बताया कि एक प्रवासी महिला उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने उनके घर जाने का इंतजाम किया। बाद में जब महिला ने बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने बच्चे का नाम सोनू सूद रख दिया। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रही है हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।